कई लोगों को घूमने का शौक होता है। कुछ बस में सफर करना पसंद करते हैं तो कुछ ट्रेन में। वैसे ट्रेन में सफर करने का अलग ही मजा है, लेकिन जब ट्रेन खतरनाक पुल से गुजरती है तो सांस थम सी जाती है। आज हम आपको एक ऐसे ही खतरनाक पुल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे भारत का सबसे खतरनाक पुल कहा जाता है। रामेश्वरम यानी चार धामों में से एक है। तमिलनाडु का यह ऐसा तीर्थ है जहाँ उत्तर भारत से बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। रामेश्वरम जाने के लिए आप मदुरै से ट्रेन पकड़ सकते हैं या फिर बस। मदुरै से रामेश्वरम 170 किलोमीटर है। एक्सप्रेस ट्रेन 3 घंटे लगाती है तो पैसेंजर ट्रेन भी 3.5 घंटे। मदुरै से रात 12 बजे रामेश्वर के लिए पैसेंजर ट्रेन है, सुबह 6 बजे एक्सप्रेस ट्रेन, फिर सुबह 7:45 बजे भी पैसेंजर। अगर आप रामेश्वर दिन के सफर में पहुँचते हैं तो आप ट्रेन या बस से पंबन ब्रिज का नज़ारा कर सकते हैं। पंबन ब्रिज यानी देश का एक अनूठा पुल, एक आश्चर्य, एक इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना। वास्तव में रामेश्वर भारत के नक्शे में भारत से बाहर एक टापू पर बसा शहर है। रामेश्वर को भारत से जोड़ता है समंदर पर बना पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज देश का पहला सी ब्रिज है। सी ब्रिज यानी समंदर पर बना हुआ पुल अब मुंबई में भी सीला का करने वाला पुल बन गया है। पंबन ब्रिज 1885 में बनना आरम्भ हुआ था। गुजरात के कारीगरों ने इसे 1912 में पूरा किया। 1912 से इस पर रेलगाड़ी चल रही है। पहले मीटर गेज रेलगाड़ियां दौड़ती थी पर अब ब्रॉड गेज ट्रेनें इस पुल से गुजरती हैं। 100 साल पुराना ये पुल 2.3 किलोमीटर लंबा है। पुल में कोई बाउंड्री नहीं है। रेल की पटरी मानो समंदर के पानी से बस थोड़ा ऊपर चलती है। आजकल सावधानी बरतते हुए पुल पर चलते हुए हर ट्रेन की गति धीमी कर दी जाती है। रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन के बाद आता है पंबन ब्रिज। जब पुल से ट्रेन गुजरती है तब खिड़की से समंदर को देखने का अनुभव कभी नहीं भूलने वाला है। अगर आप दिन में इस पुल से गुजर तो अद्भुत आनंद आएगा। हालांकि कंक्रीट के 145 खंभों पर टिके इस पुल को समुद्री लहरों और तूफानों से खतरा बना रहता है। पहले यह देश का सबसे बड़ा समुद्र पुल हुआ करता था जिसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर है, मगर अब मुंबई बांद्रा कुर्ला पुल सबसे बड़ा है। पंबन ब्रिज की खास बात है कि ये कैंटिलीवर ब्रिज है। समंदर में बड़े नेवी के जहाज के आने पर इस पुल को खोला जा सकता है। पुल के दोनों तरफ 6 लोग खड़े होकर मैकेनिकल तरीके से पुल को खोल देते हैं। तमिलनाडु का यह पुल रामेश्वरम से पंबन द्वीप को जोड़ता है। ऐसे में अगर आप रामेश्वरम जाना चाहते हैं तो अपने सफर को रोमांचक बनाने के लिए पंबन पुल से होकर जा सकते हैं। समुद्र की लहरों के बीच सफर का रोमांच सिर्फ इसकी कल्पना करके भी देखेंगे तो आपको जरूर रोमांच का एहसास होगा। साल 1987 में राजीव गांधी के शासनकाल में पंबन ब्रिज के समांतर सड़क पुल भी बन गया है। ये सड़क पुल इतना ऊंचा है कि जहाज इसके नीचे से गुजर सकते हैं। सैकड़ों लोग रोज सड़क पुल पर पहुंचकर रेल पुल का नजारा करने आते हैं, पर सड़क पुल बनने से पहले रामेश्वरम तक जाने के लिए एकमात्र तरीका रेल पुल ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।